सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो मैं इंडियन सर्वर के ऊपर हूँ एंड गाइस सर्वर चेंज करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं ब्राजील के सर्वर के ऊपर आ चुका हूँ। तो अगर आप चाहो तो आप लोग ब्राजील को छोड़कर किसी भी दूसरे कंट्री के ऊपर जा सकते हो। तो ऐसे कैसे करना होगा मैं वीडियो के आगे बताऊंगा। तो वीडियो को सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू मी वीडियो गाइस और एक एक्साइटिंग वीडियो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपना फ्री फायर का सर्वर को चेंज कर सकते हैं। सो गाइस अगर आप किसी दूसरे कंट्री के सर्वर के ऊपर खेलना चाहते हैं, आप किसी दूसरे कंट्री के ऊपर आप लोग को अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं एंड उन सभी कंट्री में क्या क्या इवेंट्स आया है, कैसे कैसे सब कुछ आप लोग पता कर सकते हो। इवन गाइस अगर आप इंडिया से हो तो आप लोग बहुत ही इजी तरीके में ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जैसे कि अरब हो गया है, मलेशिया हो गया, आप लोग जिस कंट्री का चाहो उस कंट्री का सर्वर को आप लोग ले सकते हो बहुत ही इजी तरीके में। एंड गाइस इस वीडियो के अंदर जो ट्रिक बताया है वो जस्ट गेस्ट आईडी के लिए पॉसिबल होगा। अगर आपने अभी तक अपने मोबाइल फ़ोन में गेस्ट आईडी लॉगिन नहीं किया है तो आपके लिए पॉसिबल है। एंड गाइस अगर आपने ऑलरेडी अपना गेस्ट आईडी को लॉगिन कर लिया है इंडियन सर्वर के ऊपर तो उसको कैसे रिमूव करना है, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में कोई भी गेस्ट आईडी अभी तक लॉगिन ही नहीं हुआ है, आप लोग अपना स्मार्टफोन को ऐसे कैसे कर सकते हो मैं वीडियो को एंड में बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर वॉच कीजिए, आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है इंडिया में जो इवेंट्स आता है वो बाकी दूसरा कंट्री के मुकाबले बहुत ही लेट आता है। तो जो बाकी दूसरा कंट्री के ऊपर आप लोग जाके आप लोग पहले से ही चेक करके आप लोग देख सकते हो क्या क्या इवेंट्स आने वाला है इंडियन सर्वर के ऊपर। एंड अगर आप एक यूट्यूबर है तो आप अपने सब्सक्राइबर्स को बता सकते हैं ऐसे ऐसे इवेंट्स आने वाला है इंडिया में कुछ दिनों के बाद। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर वॉच कीजिए। एंड गाइस इस वीडियो के अंदर वो भी बताऊंगा गेस्ट आईडी को कैसे रिमूव करना है अगर आपने ऑलरेडी गेस्ट आईडी लॉगिन कर लिया है तो। एंड गाइस वीडियो स्टार्ट करने से मैं आप लोगों के सामने मेरा अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूं। तो गाइस यहां पे आप लोग देख सकते हो सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहां पे रिलीजन इंडिया है तो मैं इसको चेंज करके किसी दूसरा कंट्री शो कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मेरा मेन आईडी को लॉग आउट कर लेता हूं। सो गाइस अगर आप अपना फ्री फायर का सर्वर को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। तो आप लोग प्ले स्टोर ओपन कीजिए एंड प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको ऊपर में सर्च करना होगा VPN। तो VPN सर्च करने के बाद गाइस आपको बहुत सारा VPN देखने को मिल जाएगा, आपका जो पसंद है, जो VPN आपका फेवरेट है आप लोग उस VPN में भी कर सकते हो, मगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक रिकमेंड करूँगा आप लोग होला VPN को ट्राई कीजिए। तो चलिए मैं होला VPN को यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। तो गाइस होला VPN डाउनलोड हो चुका है तो मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस चलिए मैं होला VPN को ओपन कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे आई एग्री के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो आप लोग क्लिक कीजिए। तो गाइस क्लिक करने के बाद जो लेफ्ट साइड में ऊपर में उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपको बहुत सारा कंट्री देखने को मिल जाएगा। गाइस आपका जो मन करे आप लोग जिस कंट्री का सर्वर के ऊपर जाना चाहते हैं आप लोग उसी कंट्री को अगर चूज़ कीजिए। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंडोनेशिया का, मैं चाहूँ तो मैं इंडोनेशिया का सर्वर के ऊपर जा सकता हूँ एंड यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर कंट्री मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ब्राज़ील सर्च कर लेता हूँ एंड ब्राज़ील का सर्वर में जाऊँगा एंड आप लोगों को दिखाऊँगा। तो ब्राज़ील के ऊपर क्लिक कर दिया है, उसके बाद गाइस यहाँ पर आपका फ्री फायर गेम को चूज़ करना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग फ्री फायर को चूज़ कीजिए, उसको स्टार्ट कवर क्लिक कीजिए, उसको फ्री कवर क्लिक कीजिए। तो फ्री कवर क्लिक करने के बाद गाइस कुछ परमिशन मांगेगा तो आपको इसको ऑन कर देना होगा सेटिंग्स में जाके। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो गाइस ऑन करने के बाद फिर से आपको फ्री कवर क्लिक करना होगा। तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा, तो आप लोग कुछ देर वेट कीजिए। अगर आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा है तो यहाँ पे आपको उतना देर वेट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ देर वेट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओपन हो चुका है वेट करने के बाद। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा गेम ओपन हो चुका है। तो गाइस गेम ओपन होने से पहले मैं आप लोगों को और एक बात कह देना चाहती हूँ। तो गाइस अगर आपने जो VPN कनेक्ट कर लिया है, VPN कनेक्ट करने से पहले आपका जो मेन आईडी है उसको आपको लॉग आउट कर देना होगा। आपका जो फेसबुक आईडी या आपका जो जीमेल आईडी से लॉगिन है उसको सबसे पहले आपको लॉग आउट कर देना है, उसके बाद आपको VPN कनेक्ट करके आपको गेम को ओपन करना होगा। तो गेम को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको गेस्ट लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो गाइस यहाँ पे कुछ इंटरनेट का इशू आ सकता है क्योंकि VPN से चल रहा है। अगर आपका पास अच्छा खासा नेट इंटरनेट स्पीड है तो आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा।
तो गाइस यहाँ पे ओनली फॉर गेस्ट आईडी के लिए पॉसिबल होगा। अगर आपने गेस्ट आईडी ऑलरेडी इंडियन सर्वर के ऊपर बना के रखा है तो आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव कैसे करना है मैं वीडियो का आगे बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिए। तो गाइस मैं यहाँ पे गेस्ट आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गेस्ट आईडी लॉगिन कर लिया। तो यहाँ पे मेरे बारे में चूज करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे बिगिनर चूज करूंगा। तो यहाँ पे लेट्स रोल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो लेट्स रोल के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस गेम प्ले होने स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं गेम को बैक कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा आर्टेक यूट्यूब चैनल का मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ आर्टेक। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गेम ओपन हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राज़ील सर्वर के ऊपर मैंने गेम को ओपन कर लिया है। तो मैं आप लोगों को सेटिंग्स में जाके चेक कर देता हूँ इसका जो रिलीजन है वो कौन सा है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका रिलीजन जो है यहाँ पे ब्राज़ील आ चुका है। तो गाइस इसके अंदर जो जो इवेंट्स आया है वो सब कुछ आप लोग देख सकते हो, क्या क्या इलाइट पास आया है आप लोग सब कुछ आप लोग ऐसे चेक कर सकते हो। इवन गाइस इंडिया में जो इवेंट्स आता है बाकी दूसरे कंट्री के तुलना यहाँ पे बहुत ही लेट में आता है, तो आप लोग अपने व्यूअर्स को भी बता सकते हो इंडिया में ऐसे ऐसे आने वाला है, ऐसे आएगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैक्सिमम यूट्यूबर ऐसे ही करता है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्राज़ील के सर्वर के ऊपर क्या क्या इवेंट्स है, अभी टॉप अप इवेंट्स क्या है, अभी बहुत कुछ आप लोग चेक कर सकते हो। तो गाइस अगर आप किसी दूसरे कंट्री के ऊपर जाना चाहते हैं तो आप लोग फिर से इस गेस्ट आईडी को रिमूव कर दीजिए। तो गाइस गेस्ट आईडी को कैसे रिमूव करना होगा मैं आप लोगों को वो भी बता दूं। तो गाइस गेस्ट आईडी को रिमूव करने से पहले आपका गेस्ट आईडी लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपका सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना होगा। एंड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बिंड बिंड गूगल। तो गाइस आपको एक फेक गूगल अकाउंट, बेसिकली आप लोग फेसबुक अकाउंट भी बना सकते हो। तो आप लोग एक फेसबुक अकाउंट बना लीजिए। फेसबुक अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे विंड फेसबुक के ऊपर क्लिक करके आप लोग अपना गेस्ट आईडी को ऐसे रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आपका फोन में कोई भी गेस्ट आईडी ऐसे लॉगिन नहीं होगा, ऐसे दिखाएगा, तो आप लोग फिर से सर्वर को चेंज कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए गाइस। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी एनेबल कर देना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एंड फायदेमंद हो सकता है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।